हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगा एक न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो कि अभी अपकमिंग है, यानी कि आने वाली है। बट अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसकी फ़ीचर्स के बारे में सुनेंगे फ्रेंड्स, तो आप उसके दीवाने हो जाएंगे। यानी कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो सिंपल वन जो कि रेंज क्लेम करती है 236 किलोमीटर प्रति चार्ज पर, यानी कि पर चार्ज पर, उसको टक्कर देने के लिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही है। ये अपनी रेंज को क्लेम करते हैं 280 किलोमीटर पर चार्ज। तो फ्रेंड्स, मैं एक कंपैरिजन भी बताऊंगा एंड अब मैं बताता हूं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की पहले हिस्ट्री के बारे में पता करें कि ये कंपनी स्टेबल है भी या नहीं। तो यस फ्रेंड्स, ये बहुत स्टेबल कंपनी है। इन्होंने सबसे पहले यानी कि 2019 में अपनी एक बाइक लॉन्च की थी जिसका नाम था रिवोल्ट RX 400, और अब इन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है जिसका नाम है रिवोल्ट NX 100। यस फ्रेंड्स, और इन्होंने अपनी जो रेंज क्लेम की है पर चार्ज पर, वो है 280 किलोमीटर पर चार्ज फ्रेंड्स, जो कि सबसे ज़्यादा रेंज है अब तक की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। और डिज़ाइन और लुक्स ये देखिए, लुक्स के मामले में बड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे। थोड़ा डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइन इनका है। और अब इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लुक्स के मामले में तो कमाल है, सिंपल वन से भी अच्छी लग रही है मेरे को। और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो बैटरी रेंज है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने दो वेरिएंट निकालने का वादा किया है, जिसमें इन्होंने रेंज क्लेम की है 180 से 280 किलोमीटर, यानी कि 180 से 280 किलोमीटर की इन्होंने रेंज को क्लेम किया है। और टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड इन्होंने जो क्लेम की है वो है 100 to 120 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। अब तक ओला से ज़्यादा टॉप स्पीड किसी की नहीं आई थी, परंतु ये कंपनी क्लेम कर रही है कि हम जो टॉप स्पीड देंगे वो देंगे 100 to 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। चार्जिंग टाइम की तरफ चलें तो 4 से 6 घंटे में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल फुल चार्ज हो जाएगा। मोटर पावर की बात करते हैं, 4 किलोवाट की मोटर पावर है जो कि 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब इसमें एक जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें भी इन्होंने एक यूनिक बात बताई है फ्रेंड्स। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है वो अप टू 35% एफिशिएंसी देगा फ्रेंड्स। इसका मतलब है अगर आप बार बार ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकिंग से ही 35%, यानी कि जो बैटरी कैपेसिटी है उसका 35% चार्ज हो जाएगा सिर्फ ब्रेकिंग का यूज़ करके। तो ये बहुत जेन्युइन और अच्छा फीचर्स है। तो अब इसके ऑफिशियल पेज पर चलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने लॉन्चिंग के बारे में कोई बात बताई है या नहीं। ये फ्रेंड्स, हम इसके ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं। ये देखिए डिज़ाइन के मामले में कमाल, बहुत अच्छी लगी मुझे। लुक्स बहुत जेन्युइन, बॉडी देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, एक हल्क जैसा लुक आ रहा है। और ये देखिए, इन्होंने जो अपने ऑफिशियल पेज पे लिख रखा है वो है कमिंग सून, यानी कि इन्होंने अभी कोई रिलीजिंग डेट नहीं बताई है कि कब लॉन्च होगी कब नहीं होगी। बट जहाँ तक मुझे लगता है 3 से 4 महीने में ये गाड़ी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। अब इसके थोड़ा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो ये देखिए, रेंज की बात इन्होंने की, 280 किलोमीटर की रेंज ये देगी आपको। ये मोटर की बात करें तो स्मार्ट मोटर की इन्होंने बात कर रखी है, 12 इंची अलॉय व्हील्स ये प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो नेम है NX 100, रिवोल्ट NX 100। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी रिवोल्ट NX 100 के बारे में। और मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जो कि कंपैरिजन वीडियो होगी बिटवीन सिंपल वन एंड अपनी रिवोल्ट NX 100 के बीच में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।